इलेक्शंस 2024 के नॉमिनेशन फाइल करने की तिथि आ गई है, लेकिन अभी भी कांग्रेस ने 11 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 6 पर अपने कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 11 के 11 अनाउंस कर दिए और उनकी तैयारी भी जोरों शोरों पर चल रही है। कांग्रेस इस बार फिर से ये डिले क्यों कर रही है? विधानसभा इलेक्शन में भी यही रवैया कांग्रेस का देखा गया था, जिसके मद्देनजर काफी नुकसान झेलना पड़ा पूरी पार्टी को और 35 सीटों पर विधानसभा इलेक्शन में वो सिमटकर रह गई। नमस्कार, जय जोहार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं राउंडअप में। मेरा नाम सुमीरा जुप्पन है और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, सीनियर पॉलिटिकल एक्सपर्ट छत्तीसगढ़ के, और इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कांग्रेस फिर से एक बार चूक रही है और वही गलती कर रही है और कांग्रेस बार बार ऐसा क्यों करते चली जाती है। जब एक गलती करती है भोगती है और फिर वही वापस से गलती करके दोबारा भोगने के लिए कांग्रेस तैयार और उतारू लग रही है। सर, मुझे किस तरह से आप इस चीज को समअप करेंगे कि 5 अभी भी कैंडिडेट्स अनाउंस होने बाकी हैं, आधे कैंडिडेट्स 50% कैंडिडेट्स वो अनाउंस अभी नहीं किए हैं। जितने जल्दी कैंडिडेट्स अनाउंस कर दे उतना किसी भी पार्टी के लिए अच्छा होता है, कैंडिडेट्स के लिए अच्छा होता है, तैयारी ज्यादा अच्छे से मजबूत हो पाती है। बीजेपी ने पहले ही कर दिया, एडवांस में ही, मार्च की शुरुआत में ही बीजेपी ने कर दिया, कांग्रेस ने डिले किया पहले 6 कैंडिडेट्स में भी। अब मंथन चल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं डिले इतना ज्यादा क्यों, नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं फाइल करना? बिल्कुल सुमित जी, कांग्रेस प्रतिपक्ष में और प्रतिपक्ष में है तो उनको तो भविष्य में चुनाव में जाना है, इस विषय के ऊपर ज्यादा गंभीर होना चाहिए और पहले से अपने संभावित प्रत्याशियों को का नाम तय करके क्षेत्र में भेजना चाहिए। सत्ताधारी जो है उनके पास हम मान करके चलते हैं कि उनकी व्यस्तता ज्यादा होती उस पार्टी की, लेकिन कांग्रेस इतिहास के पन्नों को पलटे तो चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, कुछ प्रत्याशियों का घोषणा कर देती है और कुछ प्रत्याशियों का नाम नॉमिनेशन भी स्टार्ट हो गया और अभी तक घोषित नहीं कर पाई है। अलग अलग समय पर उनके जिम्मेदार पदाधिकारी स्टेटमेंट देते हैं कि अब अविलंब होगा, लेकिन धरातल पर वह दिखाई नहीं देता। दूसरी बात है इसमें कि प्रदेश इकाई और केंद्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस का, उनको पहले से इस चुनाव में जाना है तो वैचारिक मंथन करना चाहिए। वो तर्क देते हैं कि बीजेपी ठीक है छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशियों का नाम डिक्लेयर कर दी लेकिन अन्य प्रांतों में नहीं कर पाई है, वह अलग विषय है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मद्देनजर आपको प्रत्याशियों का सिलेक्शन, ठीक है आपका राष्ट्रीय पार्टी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अनेक लोग प्रत्याशी बनना चाहते हैं, लेकिन यह तो एक रोल मॉडल होना चाहिए और आप रायपुर में आकर के अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक किए थे और वहां पर काफी फ्रूटफुल बात हुई थी, तो छत्तीसगढ़ की जनता अपेक्षा तो यह करती है कि आप किन प्रत्याशियों को अपने पार्टी से घोषित कर रहे हैं। मंथन ऑलरेडी, जहां तक अंदरूनी सोर्सेस हमें पता चल रहा है, मंथन ऑलरेडी जारी है और कुछ नामों पर तो ऑलमोस्ट वो जो ठप्पा है लग चुका है, लेकिन उसके बावजूद अनाउंसमेंट में इतना ज्यादा डिले। माना जाता है जिस कैंडिडेट को ज्यादा समय मिलेगा वो ज्यादा अच्छे से तैयारियों से ग्राउंड पर उतरता है और उसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हमने विधानसभा में भी देखा था बिल्कुल इसी तरह से हुआ था, कांग्रेस बहुत ज्यादा डिले कर चुकी थी और उसकी वजह से जो रिजल्ट हमने देखा वो काफी चौंकाने वाला था। सब मान के चल रही थी कि कांग्रेस आएगी लेकिन छोटी छोटी चीजों की वजह से कांग्रेस हार गई, बहुत बुरी तरीके से शिकस्त मिली। किस तरह से आपको लग रहा है, क्या इसका सच में फायदा होता है? पहले नाम दे देने से कोई भी पार्टी अगर कैंडिडेट अनाउंस कर देती है तो क्या सच में इसमें फायदा होता है और कितना फायदा हो सकता है? देखिए, पहले से प्रत्याशी डिक्लेयर होने का मेरिट ही दिखाई देता है, क्योंकि जनता के संपर्क में वो रहते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ एक सक्रियता जो होना चाहिए और उसके बाद डायनामिक होकर के वो फील्ड में जाते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद इस स्थल पर भी तो विचार नहीं करती कि पहले से हम प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे तो खर्च ज्यादा होता है, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, तो इस ड्यूरेशन को कुछ दिन कम किया जाए। और दूसरी बात है, सामने वाले प्रत्याशी पार्टी की घोषित हो गई तो अपने सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से या फिर उनके पास समकक्ष प्रत्याशी है कि नहीं, क्या वो लोकप्रिय है कि नहीं, उन प्रत्याशी का स्वयं का रिसोर्स कैसा है, ये सब वो अलग अलग तर्क दे सकते हैं, लेकिन मूल आइडियोलॉजी यही आती है कि चुनाव के पहले प्रत्याशियों का नाम तय होना चाहिए ताकि इसका लाभ आपके पार्टी को मिल सकता है, पर्याप्त समय मिलेगा और पर्याप्त समय मिलने के बाद
क्योंकि लोकसभा का चुनाव सात सात आठ आठ नौ नौ विधानसभा का क्षेत्र होता है और वहां मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय चाहिए, लेकिन अपेक्षा करते हैं कि अब कांग्रेस आजवाज में अपने प्रत्याशियों का घोषणा कर दे और छत्तीसगढ़ में फिर लोकतंत्र का जो महायज्ञ आरंभ हो चुका है उसमें वो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर सके। आपको लगता है कांग्रेस ने कहीं ना कहीं हार मान ली है, एक शिकस्त मान ली है, क्योंकि विधानसभा में जिस तरह से उनके साथ हुआ 35 सीटों पर सिमट के रह गए और इतना कॉन्फिडेंस था कि वापस प्रचंड बहुमत से आएंगे, जिस तरह से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस इमेजिन कर रही थी कि उनका परफॉर्मेंस होगा, लेकिन नहीं रहा। तो मंथन भी हुआ, काफी ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन भी हुआ कि किस तरह से हार की वजह क्या रही क्या नहीं रही। मैनिफेस्टो रिलीज किए जा रहे हैं, राहुल गांधी बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं सेंटर लेवल पे अलग अलग स्टेट्स में जाके, लेकिन आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ के मद्देनजर उन्होंने हार मान ली है? क्योंकि अगर हम 2019 में भी देखें तो 11 में से 9 सीटों पर कांग्रेस अच्छी बहुमत लाने के बावजूद बीजेपी ने 11 में से 9 सीटें वो कर ली थी और इस बार तो बीजेपी ही यहां पर सत्ता में है, तो आपको लगता है सत्तारूढ़ पार्टी को इस बार फायदा ही फायदा है, तो कांग्रेस गिव अप कर चुकी है फाइट? देखिए सुमित जी, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कहती थी 75 पार, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया और वो उसके 50% में भी नहीं पहुंच पाए सफलता के दृष्टिकोण से। अगर हम इसमें कोई इससे कोई इनकार नहीं है, यकीनन यह सत्य है कि 1996 से लेकर के जब हम मध्य प्रदेश में थे और उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, वहां से लेकर के इवन 2014 और 2019 तक बीजेपी का लोकसभा में सफलता का स्ट्राइक रेट 86% से लेकर के 90% रहा है। वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब छत्तीसगढ़ राज्य बनना था तो वो रायपुर आए थे और सप्रे स्कूल में और पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे और वो बोले थे कि आप 11 में 11 सीट मेरी पार्टी को दीजिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। उसके बाद पुनः वाजपेयी जी नेक्स्ट लोकसभा के चुनाव में आए, बोले कि आप सबको छत्तीसगढ़ राज्य बनने की बधाई, थोड़ी बधाई मैं भी ले लेता हूं, लेकिन आप लोगों ने थोड़ी कंजूसी कर दी, पूरी की पूरी सीट नहीं दिए। तो क्लीन स्वीप तो नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी का लोकसभा में सफलता का स्ट्राइक रेट लाजवाब है, बेहतरीन है, 86 से 90% तक। तो ये परफॉर्मेंस है बीजेपी का और इस दृष्टिकोण से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस या तो उनके प्रत्याशी अपने अंतःकरण से चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते या फिर चुनाव से बचना चाहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि संगठन लेवल पर पीसीसी अध्यक्ष जो है और उनकी जो टीम है वो जो पैनल बनाते हैं उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या कुछ अनकही बातें होती हैं क्या, इसके ऊपर आज मंथन की आवश्यकता है। बिल्कुल, कांग्रेस को बहुत सारे मंथन की आवश्यकता है। सचिन पायलट कल 2 दिवसीय दौरे के लिए छत्तीसगढ़ जरूर आ रहे हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि आज या कल में ये लिस्ट आ जानी चाहिए, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं पार्टी को झेलना पड़ सकता है। और वैसे भी जैसे कि डॉक्टर अजय चंद्राकर ने कहा कि बीजेपी का लोकसभा का जो स्ट्राइक रेट है वो 86 से 90% है, जो अपने आप में काफी काबिले तारीफ है, उसके मुकाबले कांग्रेस को तो अच्छी खासी तैयारी से ही उतरना होगा। अगर कांग्रेस अच्छी खासी तैयारी से नहीं उतरती है तो वापस एक शर्मनाक रिजल्ट फेस करने के लिए तैयार रहे। आज के राउंडअप में बस इतना ही, मैं सुमी राजपन अपने वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूं। डॉक्टर अजय चंद्राकर भी आपको नमस्कार कह रहे हैं और कल हम एक नए टॉपिक के साथ वापस आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार, जय जोहार।